हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स में। ये वाला पार्ट तुम लोग को इजी लगेगा, टेंशन मत लो। लिंकेज में शायद थोड़ा डिफिकल्टी हुआ होगा, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, जेनेटिक्स में अभी तक तुम लोगों को अगर कोई भी डिफिकल्टी आ रहा है, ठीक है, एक बार फिजिकल क्लास स्टार्ट होने पे वो सारे हम लोग क्लियर कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्रॉस होता है। एक्चुअली ये बोर्ड पे दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो जब लाइव क्लास होगा, जब मैं अच्छे से क्रॉस को दिखा, मतलब जब तुम्हारा फिजिकल क्लास होगा, मैं तब तुम्हें बोर्ड पे अच्छे से ये क्रॉस समझा दूंगी, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये बहुत इजी टॉपिक है, ये डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये पढ़ाई करना है कि कैसे हम लोग सेक्स को डिसाइड करते हैं। सेक्स को डिसाइड करते हैं मतलब मेल फीमेल हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो ये मेल फीमेल कैसे डिसाइड किया जाता है वो हम लोग स्टडी करेंगे। किसी में क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं, टाइप ऑफ क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो देखो, ये सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस के स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट के बारे में हमें पढ़ाई करना है। उसका नाम है हैनकिंग। तो हैनकिंग ने क्या हुआ था, 1891 में हैनकिंग ने स्टडी कर रहे थे इंसेक्ट का स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या स्टडी कर रहे थे? इंसेक्ट का स्पर्मेटोजेनेसिस वो स्टडी कर रहे थे। तो जब उसने इंसेक्ट का स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी किया, तो उसको क्या दिखाई दिया कि 50% ऑफ द स्पर्म, 50% ऑफ द स्पर्म received a specific nuclear structure, ठीक है। 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव द स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड जो रेस्ट ऑफ द 50% है, इन रेस्ट ऑफ द 50%, इन द रेस्ट ऑफ द 50% स्पर्म डेट स्ट्रक्चर इज एबसेंट, ठीक है। तो हैनकिंग ने ये ऑब्जर्व किया था कि 50% स्पर्म में इंसेक्ट का क्या स्टडी कर रहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब मेल गैमेट इंसेक्ट में कैसे बनता है वो स्टडी कर रहा था। तो जब उसने क्या ऑब्जर्व किया, हैनकिंग ने ये ऑब्जर्व किया कि 50% जो स्पर्म होता है, मान लो ये एक स्पर्म है, तो 50% स्पर्म में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है और 50% ऑफ द स्पर्म में वो स्पेशल स्ट्रक्चर एबसेंट है। एंड बाद में क्या हो गया कि बाद में ये जो स्ट्रक्चर हैनकिंग ने देखा था, उसने इसका नाम दे दिया एक्स बॉडी, ठीक है। तो इसका क्या नाम दिया, एक्स बॉडी। तो हैनकिंग ने ऐसा बोला कि जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर 50% ऑफ द हमें 50% ऑफ द स्पर्म में देखने के लिए मिलता है, उसका नाम एक्स बॉडी है। तो बाद में जब साइंटिस्ट लोगों ने फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, तब ये बात तो क्लियर हो गया था कि जो हैनकिंग बोल रहा था एक्स बॉडी के बारे में, वो एक्चुअली एक क्रोमोजोम है और उसका नाम क्या है, एक्स क्रोमोजोम, ठीक है। मतलब हैनकिंग ने ये देखा था कि 50% स्पर्म को एक्स क्रोमोसोम मिलता है, 50% स्पर्म को एक्स क्रोमोसोम नहीं मिलता है। तो यही जाके एक तुम्हारा क्रोमोसोमल बेसिस हमें मिल गया है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है। तो अब हमें वो देखना है कि क्रोमोसोम के हेल्प से हम लोग सेक्स को कैसे डिसाइड करते हैं, मेल या फीमेल हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। क्रोमोसोम के थ्रू हम लोग कैसे मेल फीमेल डिसाइड करते हैं, अब हमें ये स्टडी करना है। अब देखो, सबसे पहले यहां तक हमें क्या पता चला कि हैनकिंग ने जब इंसेक्ट का स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी किया था, उसने ये ऑब्जर्व किया था 50% स्पर्म को एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम उसने दिया एक्स बॉडी, और बोला कि 50% स्पर्म में ये स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। और बाद में जाके क्या पता चला कि दैट एक्स बॉडी जो हैनकिंग ने बोला था वही एक्चुअली एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। तो अब देखो, हम लोग क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को स्टडी कर रहे हैं, इसमें हमें दो कंडीशन दिखाई देगा। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि मेल जो है वो हेटरोगैमेटिक है, मेल हेटरोगैमेटी,
अब ध्यान से सुनो, मेल हेटेरोगेमिटी का मतलब है कि मेल विल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स। ठीक है, मेल हेटेरोगेमेटी का मतलब है, या फिर अगर हमें कोई बोलता है कि मेल इज हेटेरोगेमेटिक, इसका मतलब ये समझना है तुम लोगों को कि मेल विल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट। ठीक है, मेल दो अलग अलग सा गेमेट्स फॉर्म करेगा। अब देखो, मेल हेटेरोगेमेटी में कौन कौन सा टाइप आता है, याद रखना। जब मैं यहाँ पे लिखूंगी, मैं सबसे पहले ना फीमेल को लिखूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूंगी फीमेल को। मैं लिख रही हूँ एक्स एक्स एंड एक्स वाई, मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। एक्स 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 वाई मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये अब हमें पढ़ना है। जब हम लोग लिखते हैं ऐसा है, देखा स्टार्टिंग वाला एक्स एक्स जो लिखा है वो मैंने किसके बारे में लिखा है, ये मैंने फीमेल के बारे में लिखा है। और ये जो किसके बारे में लिखा है बाद में हम लोग मेल के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग हम लोग फीमेल से कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेल हेटेरोगेमेटी बोला है, मतलब मेल दो डिफरेंट गेमेट प्रोड्यूस करेगा। तो मेल के पास कौन सा क्रोमोजोम है, एक्स वाई। फीमेल के पास कौन सा क्रोमोजोम है, एक्स एक्स। तो ये एक्स एक्स एंड एक्स वाई मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा, एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हमें ह्यूमन बींग में देखने के लिए मिलता है ना। तुम लोग ये बात पढ़ के भी आ चुके हो कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होता है, मेल में सेक्स क्रोमोसोम दो प्रेजेंट है एक्स वाई, फीमेल में दो है एक्स एक्स। तो ह्यूमन बीइंग में एंड ड्रोसोफिला, ऑलरेडी मैंने शायद तुम लोग को बताया भी था कि ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है उसमें भी हमें एक्स 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 वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो कि मैं क्या बोल रही थी। और एक टाइप आएगा यहाँ पे, मैं एक साथ लिख देती हूँ, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंडली इसमें आएगा एक्स 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 जीरो मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, एक्स 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 जीरो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ध्यान से एक बात को देखो, एक्स जीरो मतलब यहाँ पे एक सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग है। ठीक है, तो ये जो बोला है मैंने एक्स 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 जीरो, यही हमें इंसेक्ट में मिलता है स्पेशली। ठीक है, जो हैंकिंग ने देखा था वही देखा था, मेल में एक्स जीरो है। तो देखो 50% गैमेट को एक्स मिलेगा, 50% गैमेट को ये पेयर का कोई क्रोमोसोम मिलेगा ही नहीं। तो ये हमें नॉर्मली कहाँ दिखाई देता है, मोस्टली इन इंसेक्ट, मोस्टली इन इंसेक्ट्स हमें ये वाला सेक्स डिटर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ग्रास ऑपर, ग्रास ऑपर में ये हमें देखने के लिए मिलेगा, साथ साथ कॉकरोच में भी ये मिलेगा, मैक्सिमम इंसेक्ट में यही होता है। ठीक है, एक्स 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 जीरो मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे मैंने बोला कि मेल हेटेरोगेमेटिक है, सबसे पहले बाकी देखो हम लोग एक्स 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 वाई मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को ही स्टडी कर लेते। तो एक्स एंड एक्स वाई मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा, एक्स 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 वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हमें देखने के लिए मिलेगा इन केस ऑफ ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। ठीक है, तो ऑलरेडी तुम लोगों को ये बात पता होगा कि ह्यूमन में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो उसमें 46 क्रोमोसोम होगा, अनटिल एंड अनलेस एबनॉर्मल कोई कंडीशन है। देखो ऐसा तो हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होता है, बट आगे जाके तुम लोगों को ऐसा भी डिजीज मिलेगा जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर किसी का 45 हो जाता है, किसी का 47 हो जाता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, म्यूटेशन के कारण ऐसा होता है। बट अगर हम लोग मानते हैं कि इन जनरल ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर होता है 46, तो हम बोलेंगे ये 46 में से 44 ऑटोसोम होता है। सेल में तुम लोगों ने ये बात पढ़ा था, ऑटोसोम मतलब दे डिटरमाइन द बॉडी कैरेक्टर। ठीक है, बॉडी कैरेक्टर को डिसाइड करेंगे, तुम्हारा आई कलर कैसा होगा, हेयर कलर कैसा होगा, हाइट कितना होगा, स्किन कलर कैसा होगा, वो सब कैरेक्टर ये 44 ऑटोसोम दैट मीन्स 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम डिसाइड करेंगे। एंड लास्ट का दो जो क्रोमोजोम होता है हमारा, दैट टू आर सेक्स क्रोमोजोम्स।
इन केस ऑफ ह्यूमन। तो सपोज हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन में मेल का, तो ह्यूमन के मेल में 44 ऑटोसोम रहेगा, है ना, और एक रहेगा एक्स क्रोमोसोम, एक रहेगा वाई क्रोमोसोम। और अगर मैं बात करूँ ह्यूमन फीमेल की, तो देखो फीमेल में होगा 44 सेक्स क्रोमोसोम, 2 एक्स क्रोमोसोम, है ना, टोटल कितना हो गया 46, टोटल कितना हो गया 46। तो अब देखो एक नॉर्मल सा मेल है ना, और ये एक नॉर्मल सा फीमेल है। तो क्या होगा, एक नॉर्मल मेल, मान लो मैरिज अ नॉर्मल फीमेल, ठीक है, अब ये मेल गैमेट्स बनाएगा। तो मेल इज हेटरोगेमेटिक हियर, मेल क्या गेमेट बनाएगा, देखो गैमेट हेप्लॉइड होता है, ये हम ट्वाइसन लिख रहे हैं, ट्वाइसन में 46 क्रोमोसोम होता है, तो गैमेट्सन होता है, मतलब 23 क्रोमोसोम आएगा, मतलब क्या होगा 22 प्लस एक्स, 50% गैमेट ऐसा बनेगा, 50% गैमेट बनेगा 22 प्लस वाई। तो देखो मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, इसीलिए मेल क्या है इस केस में, मेल क्या है इस केस में हम लोग बोलेंगे मेल इज हेटेरो गैमेटिक। और फीमेल देखो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो फीमेल जो गैमेट्स बनाएगा वो सारा सेम होगा, तो फीमेल को यहाँ पे बोलेंगे हम लोग होमोगेमेटिक, सॉरी 44 नहीं होगा, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। तो देखो यहाँ पे ह्यूमन फीमेल जो है दिस इज होमोगेमेटिक, सेम सेम टाइप का गेमेट बना रहे, तो एक्चुअली बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, ये लोग नॉर्मली फीमेल को ब्लेम करते हैं, बट इसके लिए कोई तुम्हारा फीमेल के पास कुछ होता ही नहीं है, ये तो मेल डिसाइड करता है। अगर देखो मान लो ये वाला गेमेट बाइसंस ये वाले गेमेट के साथ फ्यूज हो गया, तो क्या हो जाएगा 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, है ना, तो ये हो गया है फीमेल। मान लो ये वाले गैमेट के साथ भी फ्यूज हो गया 44 प्लस एक्स एक्स, ये भी फीमेल ही बना। बट अगर ये वाला गैमेट इसके साथ फ्यूज होगा क्या होगा 44 प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा हमारा मेल। और अगर ये गैमेट इसके साथ फ्यूज हो जाएगा तो 44 प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स वाई, ये भी मेल होगा। तो देखो बच्चा मेल हो रहा है कि फीमेल हो रहा है वो फीमेल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि फीमेल जैसे भी हो फीमेल हमेशा सेम टाइप का ही गेमेट बनाएगा, एक टाइप का ही गेमेट बनाएगा, है ना, 22 प्लस एक्स। लेकिन मेल क्या कर सकते हैं, कभी ये वाला गेमेट हो सकता है मेल का, या फिर ये वाला गेमेट भी हो सकता है। अगर मेल से ये गेमेट आया तो बच्चा फीमेल ही होगा, और अगर मेल से ये गेमेट आया तो बच्चा फीमेल होगा। लेकिन हर एक बार, मतलब जब किसी का बच्चा होता है तो उस टाइम पे 50% चांसेस रहता है कि मेल होगा, और 50% चांसेस हमेशा रहता है कि क्या होगा, फीमेल होगा, ठीक है। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी ही होता है, एक बार फर्टिलाइजेशन में मेल फीमेल होने का इक्वल प्रोबेबिलिटी है, 50% चांसेस है कि मेल होगा, 50% चांसेस है कि क्या होगा, फीमेल होगा। तो यहाँ तक होपफुली तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना। तो ये है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन, ऐसे ही इंसेक्ट के केस में भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, बट इंसेक्ट के केस में जब हम लोग लिखेंगे 22 प्लस एक्स, 22 प्लस जीरो, समझ पा रहे हो, तब 22 प्लस जीरो वाला गेमेट जब इसके साथ फ्यूज होगा, 22 एक्चुअली नहीं होता है इंसेक्ट में, कुछ और क्रोमोसोम नंबर होगा, मान लो यहाँ जीरो है, तो इसके साथ जब फ्यूज होगा एक्स जीरो आ जाएगा कम्बिनेशन, तब मेल हो जाएगा, ठीक है। तो सेम ही केस है ऑलमोस्ट, तो ये ऐसा ये याद रखना कि ये हमारा फीमेल ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन है, ठीक है। तो अभी हमें ऐसा भी कंडीशन मिलेगा जहां पे फीमेल हेटेरोगेमेटिक होगा, मतलब जैसे कि मेल दो अलग अलग गेमेट बनाते हैं, ऐसे ही फीमेल भी दो अलग अलग गेमेट बना सकते हैं। तो फीमेल हेटेरोगेमेटी मतलब फीमेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स, फीमेल दो अलग अलग टाइप का गेमेट्स बनाएगा, ठीक है। तो फीमेल हेटेरोगेमेटी में हमें क्या क्या एग्जाम्पल मिलेगा, यहां पे पहला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं z0
जेड जेड टाइप। देखो स्टार्टिंग में क्या बोल रही थी, स्टार्टिंग हमेशा हम लोग फीमेल से करें, ये फीमेल है ये मेल है। सो जेड जीरो जेड जेड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कुछ इंसेक्ट में ही मिलता है, ठीक है। तो कौन से इंसेक्ट में मिलता है, जस्ट लाइक बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज मॉथ, ऐसे इंसेक्ट में हमें फीमेल हेटरोगेमेटिक देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सेकेंड और एक हमें दिखाई देगा जेड डब्ल्यू जेड जेड, तो जेड डब्ल्यू जेड जेड जो होता है ये हमारा बर्ड्स में दिखाई देता है, बर्ड्स में बहुत ही कॉमन है। और ये क्वेश्चन बार बार नीट में आता है, तुम लोग अगर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फीमेल हेटेरोगैमिटी इज फाउंड इन, फीमेल किसका हेटरोगेमेटिक होता है, तो फीमेल हेटरोगेमेटी इज फाउंड इन तुम्हारा कहाँ पे मिलेगा, बर्ड बटरफ्लाईज मॉथ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बर्ड ही ऑप्शन में रहता है क्योंकि ये इतना एनसीईआरटी में दिया नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए चांसेस है कि तुम लोगों को ये बर्ड वाला क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाए। तो याद रखना अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, मेल हेटरोगेमेटिक हो सकता है, फीमेल हेटरोगेमेटिक हो सकता है। मेल हेटरोगेमेटिक हमें क्या क्या मिला, एक्स 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 वाई, एक्स 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 जीरो। फीमेल हेटरोगेमेटिक हमने क्या मिला, जेड जीरो जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू जेड जेड, ठीक है। एनसीईआरटी ने स्पेशली तीन ही दिया है, जेड जीरो जेड जेड नहीं दिया है, ह्यूमन मेल फीमेल ड्रॉ किया है एनसीईआरटी ने, कॉकरोचेस ड्रॉ किया है ना, और तुम्हारा बर्ड हैंड ड्रॉ किया है वो देखना। तो तीन ये दिया हुआ है, जेड डब्ल्यू जेड जेड, एक्स जीरो एक्स एक्स एंड तुम्हारा सॉरी एक्स 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 जीरो एंड तुम्हारा एक्स 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 वाई, ये तीन एनसीईआरटी ने दिया है। तो ये ध्यान से देखना, बहुत इजी है बट क्वेश्चन आता है नीट में। और एक तुम्हारा सेक्स डिटर्मिनेशन है वो तुम्हारा कहाँ पे मिलता है, हनी बी। और तुम लोग याद करो, ये मैं तुम लोगों को बहुत पहले ही मैंने समझाया था जब क्लासेस स्टार्ट हुआ था, रिप्रोडक्शन पढ़ाया था उसी टाइम पे मैंने तुम लोगों को समझाया था है हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने तुम लोगों को बहुत दुख भरी कहानी सुनाया था, हनी बीज मेल हनी बीज का स्पेशली, है ना, याद होगा तुम लोगों को। और इसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड था इसको हम लोग बोल रहे थे हेप्लो डिप्लॉइडी मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, हैप्लो डिप्लोइडी मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये हमें हनी बीज में मिलता है। और मैंने तुम लोगों को पहले ही समझाया था कि जो फीमेल होता है हनी बी में, फीमेल हनी बी हमेशा डिप्लॉइड होता है ट्वाइसन, एंड मेल हनी बी जो होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है ना। मैंने ये बात ऑलरेडी तुम लोगों को समझाया था, मेल हनी बी को हम लोग ड्रोन भी बोलते हैं, तो ये बात ऑलरेडी तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है। और मैंने तुम लोगों को, मैं फिर से एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ, मैंने बोला था कि जो फीमेल है, फीमेल हनी बी है, उसमें क्रोमोसोम नंबर होता है 32, और वो बाई मियोसिस डिवीजन वो क्या बनाते हैं, बाई मियोसिस डिवीजन वो बनाते हैं एग। एंड जो मेल हनी बी होता है वो तो हैप्लॉइड ही होता है, तो उसको गैमेट फॉर्मेशन से पहले, उसमें 16 क्रोमोसोम ही होता है, तो उसको गैमेट बनने से पहले मियोसिस नहीं, कौन सा डिवीजन करना है, माइटोसिस करना है। और उसमें तुम्हारा जो मेल गैमेट बनता है उसमें भी 16 क्रोमोसोम होता है। तो अगर एक नॉर्मल एग ये मेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाएगा तब 16 + 16 हमें कितना क्रोमोसोम मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा, है ना, 32 क्रोमोसोम मिल जाएगा। और 32 क्रोमोसोम जब होता है हनी बी में तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे फीमेल बोलते हैं। और फीमेल में जो रॉयल जेली के ऊपर फीड करेंगे, मैंने ये भी बताया था तुम लोगों को कि जो हनी बी रॉयल जेली के ऊपर फीड करेंगे वो बन जाएगा क्वीन, और बाकी बन जाएगा वर्कर बीज। और ये क्वीन ही नॉर्मली रिप्रोड्यूस करते हैं, और एक बीहाइव में एक ही क्वीन होता है। और ये जो फीमेल गेमेट रह जाते हैं, और ये पार्थेनोजेनेटिकली, ये पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से क्या बन जाता है, मेल हनी बी दैट इज ड्रोन बन जाते हैं।
16 क्रोमोसोम होता है ना। तो मैंने तुम लोगों को बोला था इस केस में देखो मेल का बहुत बेइज्जती होता है, मेले में आधा क्रोमोसोम होता है एज कम्पेयर टू द फीमेल, ठीक है। और बाकी तुम्हारा ये याद रखना कि मेल हनीबी जो है उसका यही काम होता है मेल गैमेट प्रोडक्शन करना, फिर उसका डेथ हो जाता है, ठीक है। और ये भी मैंने तुम लोगों को समझाया था कि इसमें जो मेल हनी बी का फॉर्मेशन हुआ है ये हनी बी का कोई फादर नहीं है, क्योंकि ये मादर से पार्टिनो, ये देखो ये मादर है और ये मादर का पार्टिनोजेनेसिस होके ये मेल हनी बी हुआ है ना। तो मेल हनी बी का मादर टू है तो फादर नहीं है, इसका कोई फादर नहीं होता। लेकिन ये फीमेल बनने से पहले क्या हुआ था, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ था है ना, मादर से मेल गैमेट आया था, फादर से फीमेल गैमेट आया था। तो ये हनी बी का फादर नहीं होगा लेकिन ग्रैंडफादर हो सकता है ना। और ये मेल हनी बी एज यू नो इट इज हैप्लॉइड, ये जो गैमेट्स बनाएगा वो एक के साथ फ्यूज होकर हमेशा फीमेल ही बनाने वाला है। तो ये मेल हनी बी का कभी सन भी नहीं होगा। बट इसका देखो इसका ऐसे जब बनता है डॉटर तो ऐसे डॉटर टू बन सकता है, तो उसका लेकिन सन हो सकता है, तो ग्रैंडसन हो सकता है ये हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में भी लिखा है कि दे डू नॉट हैव फादर बट कैन हैव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन। ये ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को समझाया ही था, इसीलिए मैंने इतना डिटेल में ये तुम्हारा प्रोसेस को अब नहीं बताया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में काफी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के बारे में अब हमें क्या स्टडी करना है, मैं क्या बोल रही हूँ कि अब हमें थोड़ा सा एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करना है। तो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के बारे में क्या स्टडी करोगे, देखो मान लो मेरे पास है ये एक्स क्रोमोसोम और ये है सपोज वाई क्रोमोसोम, मैं ह्यूमन के बारे में बात कर रही हूँ, ये एक्स है एंड वाई है, ठीक है। तो तुम लोग जानते हो कि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जो है, ठीक है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जो है ये पेयरिंग करते हैं मियोसिस के टाइम पे, है ना। मियोसिस के टाइम पे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम पेयर करते हैं। पेयरिंग करने का मतलब है कि कुछ जीन यहां भी प्रेजेंट होगा और यहां भी प्रेजेंट होगा सेम, लेकिन एक्स्ट्रा एक्स में कुछ ऐसा जीन प्रेजेंट होगा जो वाई में नहीं है, ठीक है, और वाई में ऐसा कुछ जीन प्रेजेंट होगा जो कि एक्स में नहीं है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो यहाँ एक जीन है, ये यहाँ भी है, यहाँ एक जीन है वो यहाँ भी है, सेम इस यहाँ पे एक जीन है ये यहाँ भी है। तो ये पार्ट जो है ये पेयरिंग तो कर ही लेगा आराम से, है ना। और ये पार्ट में जो जीन है, देखो ये पार्ट में जो जीन है, ये जो जीन है ये वाई क्रोमोसोम में नहीं है, एंड वाई क्रोमोसोम में ये जो जीन मैं दिखा रही हूँ वो एक्स क्रोमोसोम में नहीं है। तो इसमें तुम्हें कुछ याद करना पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा कि एक्स एंड वाई में कुछ पार्ट सिमिलर होता है, कुछ जीन दोनों में ही होता है ना। और ये जो जीन जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम दोनों में ही प्रेजेंट है हम इसे एक्स वाई लिंक जीन बोलते हैं, एक्स वाई लिंक जीन, द जीन्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, तुम लोगों ने नाम सुना ही होगा जेरोडर्मा पिगमेंटोसम, ये एक डिजीज का नाम है, स्किन डिजीज, स्किन कैंसर, ठीक है। ये जेरोडर्मा पिगमेंटोसम का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम में भी प्रेजेंट होता है, वो वाई क्रोमोसोम में भी प्रेजेंट होता है, दोनों में ही इसके लिए जीन होता है जेरोडर्मा पिगमेंटोसम, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला कि कुछ जीन बस एक्स क्रोमोसोम में होता है, वाई में उसके लिए कोई जीन नहीं है, तब हमें उसे क्या बोलेंगे, एक्स लिंक जीन, ठीक है। ध्यान से देखना, तब मैं क्या बोलूंगी, एक्स लिंक जीन, the gene which are present only in
एक्स क्रोमोसोम, और ये जो एक्स क्रोमोसोम का पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं, यहां मैं लिख देती हूँ, डिफरेंशियल रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। देखो जेरोडर्मा पिगमेंटोसम जो मैंने लिखा उसका जीन एक्स क्रोमोसोम में भी है, वाई में भी है, तो वो मेल में भी हो सकता है डिजीज, फीमेल में भी हो सकता है। अब एक्स लिंक जीन ये कौन से क्रोमोसोम में होता है? बस एक्स में होता है, वाई में इसका कोई जीन ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि मेल में नहीं होगा, क्योंकि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम तो है ही, एक वाई है, तो ये मेल में भी होता है। और इनफैक्ट अगर वो रिसेसिव कोई कैरेक्टर होता है मेल में, इनफैक्ट वो ज्यादा ही अपीयर होता है। तो एक्स लिंक जीन कौन कौन सा है, यहाँ मैं अगर एग्जाम्पल दू एक्स लिंक की, सबसे पहले आएगा कलर ब्लाइंडनेस। तुम लोग देखना लड़का में ये डिजीज बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, कलर ब्लाइंडनेस। पर्सन कैनॉट डिफरेंशिएट रेड एंड ग्रीन कलर, रेड एंड ग्रीन कलर उसको समझ में नहीं आता है, ठीक है। और एक ऐसा डिजीज है हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज भी बोला जाता है। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, मान लो तुम्हारा एक माइनर सा कट भी हुआ तो ब्लड निकलता रहेगा, उसमें ब्लड क्लॉटिंग बहुत डिले हो जाता है ना। तो ये दोनों एनसीआरटी में है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी डिजीज है, जैसे कि तुम्हारा स्यूडो रिकेट, ठीक है, डिफेक्टिव इनामेल ऑफ टीथ, देन तुम्हारा नाइट ब्लाइंडनेस, तो ऐसे ही, और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डेफिशिएंसी। इतना एनसीईआरटी में है नहीं, बट तुम लोगों को याद करना है तो याद कर सकते हो। डीएमडी जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दो डिजीजे याद रखना, एक मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नॉर्मली एक्स क्रोमोसोम में होता है, एंड मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है वो ऑटोसोम रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। और फिर मैंने क्या बोला, कुछ जीन ऐसा भी होगा जो सिर्फ वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा, उसके लिए एक्स में कोई जीन नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर कोई जीन, कोई डिजीज वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट है तो वो फीमेल में कभी नहीं अपेयर होगा, क्योंकि फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है, ठीक है। तो वाइलिंग जीन का और एक नाम है वाइलिंग जीन, ये नाम को याद रखना। वाइलिंग जीन्स आर मोस्ट पॉपुलरली नोन एज हॉलेंड्रिक जीन, ठीक है, हॉलेंड्रिक जीन बोला जाता है। तो वाइलिंग जीन क्या होता है, द जीन्स विच आर प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, ठीक है। और वाई, ऐसा कौन सा डिजीज होता है जो वाई क्रोमोसोम होता है डिजीज, इनफैक्ट कैरेक्टर, एक होता है तुम्हारा हाइपर ट्राइकोसिस। तुम लोगों ने देखा भी होगा किसी किसी के कान में बहुत ज्यादा हेयर होता है, किसी किसी मेल में, ये कैरेक्टर फीमेल में कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये जो कान में किसी किसी मेल का बहुत ज्यादा हेयर होता है उसे हम बोलते हैं हाइपर ट्राइकोसिस। और एक जीन होता है टीडीएफ जीन, और ये टीडीएफ जीन सुना होगा तुम लोगों ने, ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होने वाला सबसे स्मॉलेस्ट जीन है, ठीक है। इसका और एक नाम है कि टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर, डिटरमिनिंग फैक्टर, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेक्स डिटरमिनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, ठीक है। और है पॉर्कोपाइन स्किन, बट ये सब इतना नहीं पूछता है तुम लोगों को, मेनली तुम लोग याद करना टीडीएफ जीन है ना, मेल वाला कैरेक्टर इसी से आता है, टीडीएफ जीन से। और टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर, या हम लोग बोलते हैं कि सेक्स डिटरमिनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। तो वाइलिंग जो जीन है ना, वो डायरेक्ट फादर
टू सन आएगा, क्योंकि देखो डॉटर के पास तो वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है, तो फादर टू डॉटर कभी नहीं आ सकता, ये कैरेक्टर हमेशा फादर टू सन प्रेजेंट होगा, फादर टू सन पास होगा, ठीक है। और बाकी एक्स लिंक या एक्स वाई लिंक, ये एक्स लिंक जैसे ये क्या होता है तुम्हारा, ये तो मेल में भी होगा फीमेल में भी होगा, ठीक है। और अगर मान लो कैरेक्टर एक्स लिंक रिसेसिव है, ठीक है, एक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर है, तो तेटिया हले एक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर अगर होता है तो इन दैट एट दैट टाइम इट्स मोर फ्रिक्वेंटली अपीयर्स इन मेल, मोर इन केस ऑफ मेल, ठीक है। एक्स लिंक लेकिन रेसेसिव सारा होगा ऐसा नहीं है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हिमोफीलिया, ये मेल में ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है वो हम लोग आगे जाके इसका इनहेरिटेंस पैटर्न जब पढ़ेंगे तो आप डिस्कस करेंगे। ये डिजीज के बारे में याद रखना, क्योंकि पेडिग्री एनालिसिस में भी जरूरत पड़ेगा, और हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कलर ब्लाइंडनेस एज वेल एज हिमोफीलिया, ठीक है। थैंक यू।